गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग वेलकम टू लेट्स क्रैक यू पी एसी हिंदी कैसे हैं आप लोग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आफ्टर लॉन्ग वीकेंड और देखिए ये टॉपिक आप लोगों को सुनने में थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आजकल यहाँ से अगर आप लोग देखें तो आप लोग को कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को यस गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग तो जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर दीजिए कि आप सभी लोग प्रेजेंट हैं <coughs> गुड पीडीएफ नहीं मिला है आप लोगों को गुड इवनिंग चलो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ वादा करती हूं कि कल के सेशन में आप लोगों को सारे पीडीएफ मिल जाएंगे कल तीन बजे जो सेशन होगा मेरा वो होगा मॉडर्न आर्ट एंड सोसाइटी पर मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर एंड सोसाइटी तो इसमें मैं पिछले पीछे के सारे पीडीएफ मैं अटैच कर दूंगी आप लोगों का ठीक है तो मैं देख लेती हूँ एक बार टीम से बात कर लेती हूँ और मैं बात करके एक बार मैं ये इंश्योर करूँगी कि आप लोगों को सारे पीडीएफ मिल जाए तो आज का जो हमारा टॉपिक है बौद्ध एवं जैन ग्रंथ तथा संबंधित व्यक्तित्व तो यहाँ से देखो क्वेश्चन हर साल जब से आप लोगों का सिलेबस चेंज हुआ है सॉरी पैटर्न सिलेबस तो सेम है जब से एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ है 2021 से तब से आप लोगों का हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है वो चाहे वो टेक्स्ट हो या वो बुक हो या फिर इनसे संबंधित जो पर्सनालिटीज़ हैं जैसे पर्सनालिटीज़ में देखो सारे जो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ लिखे गए हैं मुनियों के द्वारा जो मॉन्ग्स थे जो सन्यासी थे उन्होंने ही इसको लिखा तो वो एक तरह से क्या थे वो फॉलोअर्स थे बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे जैन धर्म के फॉलोअर्स थे और उन्होंने अपनी भक्ति में श्रद्धा में उन्होंने ये सारी बुक्स लिखी हैं जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की है तो इस तरह से वो पर्सनालिटीज़ जो है वो जो व्यक्तित्व हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं तो उस इसलिए आप लोग इस टॉपिक को बिल्कुल लाइट नहीं लेंगे बोरिंग लगेगी अगर बोरिंग लगती भी है तो आपको बार 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 उसको रिवाइज करना है उसको रिवाइज करके आप लोगों को याद कर लेना है तो शुरू करने से पहले रिंकू लाइव मेरा कोड ये मेरे बारे में टॉपर बनना है आपको भी और टॉपर बनने के लिए जो भी मौके हैं वो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए तो देखिए एक आप लोगों का मेगा कॉम्बैट आ रहा है हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगा अगर इसमें आप लोग स्कोर कर लेते हैं तो और गिफ्ट्स तो हैं ही ठीक है गिफ्ट भी हैं तो अक्टूबर एट को है आप लोग इसको लाइव कोड के साथ अपने को एनरोल कर लीजिए जो अभी आप लोगों को डिस्काउंट मिल रहा था जो एक ऑफर था वो ख़त्म हो चुका है फोर्टी सेवन थाउजेंड का हो चुका है ये प्रीलिम्स का आपका कोर्स जिसमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सीसेट और जीएस का कवरेज होगा टेस्ट सीरीज प्रिलिम मेंस के भी टेस्ट सीरीज होंगे नोट्स वगैरह सब मिलेगा ट्वेंटी नाइन से चल रहा है और ये हैं आपके ऑप्शनल बैचेस सोशियोलॉजी जियोग्राफी पी एस आई आर हिस्ट्री पबैड और एंथ्रोपोलॉजी के ई के थ्रू आप आ सकते हैं तो ई आप करा लीजिए रिंकू को लाइव कोड यूज कीजिए और आप हर महीने केवल चार हजार तीन सौ चौंसठ रुपये पे कीजिए ठीक तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बौद्ध ग्रंथ की सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ और संबंधित व्यक्तित्व वॉइस वगैरह सब सही है तीन क्लास का जरा टॉ शिल्पा सिर्फ तीन क्लास के पीडीएफ मिले हैं अच्छा सिर्फ तीन क्लास के पीडीएफ मिले हैं और बाकी मिले ही नहीं है सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए और सबको बताइए कि ये सेशन जो है इंपॉर्टेंट है ठीक है इस सेशन को लोग लाइट ना लें नहीं आपको सभी मेरे सेशंस को देखो मेरे सेशंस को देखो मेरे सेशन के डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखो कि वहां पर पीडीएफ है या नहीं कोई जरूरत नहीं है अगर आपके पास पुराना है तो आप पुराने से काम चलाओ कोई जरूरत नहीं है ऐसा बहुत फर्क नहीं होता है ठीक है तो अगर आप लोगों को मेरे सेशन का पीडीएफ चाहिए तो मेरे सेशन का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसी डिस्क्रिप्शन में जब नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन इन द सेंस समझते हो ना जहां जैसे स्टेशन है यहां पे लिखा हुआ है कि आर्ट एंड कल्चर की क्लास है इस क्लास के बारे में कुछ डिटेल लिखा हुआ है उसी में जब नीचे आप लोग जाओगे तो वहीं पर होगा डाउनलोड पी इसमें नहीं होगा इस क्लास में नहीं है इस क्लास में मैंने नहीं अटैच करा है कल की क्लास में होगा और इसके पहले के पी चाहिए तो मेरे क्लास में जाओ और वहां से पी आप डाउनलोड कर लो ठीक है चलिए तो सबसे पहले हम लोग बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करते हैं और थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम लोग करेंगे इसको देखो बौद्ध धर्म के से संबंधित जितना भी साहित्य हैं उसको नौ अंग और बारह नौ या बारह अंग में उसको बांटा गया है और इन्हीं को वापस से पिटक में बांटा गया तो देखो आप याद रखिएगा अंग जब भी आप लोगों को अंग शब्द आए और उपांग और चुंडी शब्द आए तो जैन साहित्य ठीक और अंग अवदान इस तरह से कुछ जो शब्द आते हैं वो बौद्ध धर्म से बौद्ध टेक्स्ट से रिलेटेड होते हैं इसका सीधा सा ये रहेगा कि आपका मतलब एक तरह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ ट्रिक कि जब भी आपको अंग या अवदान ठीक निदान ये सब जब आप लोगों को वर्ड आता है तो आप ये समझ लो कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और इसी में जैसे चुड़नी उपांग चुड़नी अगर ऐसे आता है तो वो जैन से रिलेटेड है तो उससे भी आप लोग गेस करके कर लोगे तो त्रिपिटक इसमें सबसे महत्वपूर्ण है और त्रिपिटक जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिटक जिसका मतलब होता है क्या बास्केट तो बौद्ध मेन जो टेक्स्ट हैं उनको तीन पिटक में बाँटा गया है तो उन तीन पिटक के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको पिटक क्यों कहा गया तो मैं आप लोगों का भी अगर ये पूछा जाए कि इसे पिटक क्यों कहा गया तो इसको पिटक इसलिए कहा गया कि ये जो बुद्धिस्ट मोंग थे जो बौद्ध भिक्षु थे तो वो बुद्ध के उपदेशों को संघ के नियमों को बुद्ध का जो दर्शन था उसको लिखते थे तब आप लोगों को पता ही है कि तब मैनू स्क्रिप्ट हुआ करता था उसको लिखते थे और अलग अलग उसकी बास्केट बना दी थी किसी एक ने नहीं, नहीं लिखा है सारे भिक्षु मिलकर इसको लिखते थे तो इसकी अलग अलग बास्केट बना दी गई थी और बास्केट में उसको लिख लेकर अलग अलग जो नियम का अलग बास्केट दर्शन का अलग बास्केट बुद्ध के उपदेशों का अलग बास्केट तो ऐसे अलग अलग बास्केट बनाकर वो डालते थे तो तीनों पीटकों में सबसे पहले हम लोग बिने पीटक की बात करते हैं बिने पिटक जो है क्या है वो अनुशासन की टोकरी है बास्केट ऑफ डिसिप्लिन बिने पिटक क्या है बास्केट ऑफ डिसिप्लिन और अगर आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि कब पहली बार इस कब पूछा गया था तो ये ये जो है प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी फोर एटी में जिस साल बुद्ध की डेथ हुई थी तो जिस साल बुद्ध की डेथ हुई थी उसी समय उसी समय इसको संकलित किया गया था और प्रथम बौद्ध संगीति में ही उपाली जो बुद्ध के शिष्य थे उपाली आज इनके बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगी जो जो बुद्ध के शिष्य थे उपाली उपाली के द्वारा इसका जो है सस्वर पाठ किया गया था मतलब बोलकर बोलकर उन्होंने इसको सुनाया था आवाज वगैरह सब ठीक है यस yes, अनुशासन की टोकरी ठीक है तो बिन्न पिटक का मतलब कि इसमें संघ में रहने के लिए दैनिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए कि कोई हर व्यक्ति अनुशासित रहे इसके लिए बहुत सारे नियम बना दिए गए थे भिक्षुओं के लिए भी और भिक्षुणियों के लिए भी इसका उद्देश्य यही था कि संघ का जो संगठन है वो सामंजस्यपूर्ण ढंग से चलता रहे कोई भी नियम को न तोड़े कोई भी अनुशासन को न तोड़े और सभी बहुत ही अनुशासित होकर नियमों को पालन करते हुए चले तो बिना पिटक जो है इसका जो कंपोजिशन है इसका जो संगठन है इसमें जो है ये और भी इसके पार्ट हैं जैसे कि सूत विभंग इसका एक भाग है महाविभंग सूत सुत विभंग महाभि बी, महाविभंग भिक्खुनी विभंग खंडक खंडक का ही पार्ट है जातक और परिवार आप लोगों से ये भी पूछा जाएगा देखिए फॉर श्योर पूछा जाएगा क्योंकि हर बार आप लोगों से वही पूछा हुआ क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा हर बार आपसे वही सेम क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि अगर आ, आप लोगों को नेति प्रकरण पूछ लिया गया तो नेति प्रकरण पूछा जाएगा अगर आपसे अवदान पूछा गया तो अवदान नहीं हर बार चेंज पूछा जाएगा पिटक आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को त्रिपिटक सभी को याद रहता है बिने पिटक अभिधम पिटक बिने पिटक सूत पिटक अभिधम पिटक ये सबको याद रहता है अब आपसे आगे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि इसका पार्ट कौन सा है तो बिने पिटक का जो कंपोजिशन है वो किनसे मिलकर बना है सूत विभंग सूत विभंग में ही पतिमोख है पतिमोख जिसको मैंने अभी आप लोगों को टर्मिनोलॉजी बताई थी प्रतिमोख ठीक प्रतिमोख इसको कहते हैं पाली शब्द है प्रतिमोख तो सूत विभंग ठीक इसमें जो है अनुशासन का मूल कोड सारा दिया हुआ है जो मठ में रहने वाले तो सूत विभंग आपको पूछा जाएगा किस धर्म से संबंधित है फिर पूछा जाएगा कि किसका पाठ है विनय पिटक पिटक का का सूत का, या पिटक का तो या आपको याद रहना चाहिए महाविभंग इसमें भिक्षुओं के लिए नियम है और भिक्षुनी विभंग में भिक्षुणियों के लिए है जब भिक्षुणियों को प्रवेश मिलने लग गया था महिलाओं को जब मिलने लग गया था खंडका खंडका इसको खंडका निकाय भी कहते हैं इसको जो है इनको मतलब बाद में निकाय में बांटा गया है जो जातक कथाएं आप लोग सुनते हो जातक कथाएं खंडक का ही पार्ट है तो इस पर अलग अलग जो है सब्जेक्ट पर 22 अध्याय हैं और परिवार इनमें नियमों का विश्लेषण किया गया है ठीक है बिल्कुल तो ये जो है बिने पिटक बिने पिटक का है ये अब बात करते हैं सूत पिटक तो सूत पिटक में क्या है बुद्ध के उपदेश बुद्ध कि ने जो घूम घूम के अलग अलग जगह पर बुद्ध हमेशा कुछ अलग बोल जाते होंगे लोगों को समझाते समझाते लोगों को बताते बताते कि राइट पाथ क्या है हमेशा कुछ नया कह जाते होंगे तो इनके शिष्य इनके साथ साथ जाते थे तो उसको वो लोग ध्यान से सुनते थे और फिर उसको आकर लिखते थे फिर वो तो जिस साल बुद्ध यानी बुद्ध के जिंदा रहते ही इसको लिखना शुरू कर दिया था उन लोगों ने क्योंकि जिस साल बुद्ध मरे थे ठीक जिस साल बुद्ध मरे थे उसी साल जो प्रथम बौद्ध संगीति 483 एटी थ्री में हुई थी उसी साल उसी साल जो है इसको जो है उन लोगों ने जो है प्रथम बौद्ध संगीति में ही इनका पहला मौखिक अभ्यास आनंद ने किया था अच्छा लिखना मैं लिखने से मैं आप लोगों को याद दिलाती हूँ कि इस समय तक क्योंकि बुद्ध सिक्स सेंचुरी बीसी में हुए थे और देखिए फिफ्थ सेंचुरी में बीसी में उनकी डेथ हो गई है फोर एटी थ्री तो यहाँ पर जो है उस समय प्रॉपर लिपि उपी नहीं था ठीक है उस समय मौखिक रूप से अभ्यास किया गया था इसको मौखिक रूप से ही ट्रांसफ़र किया गया था जैसे वेदों उपनिषदों को मौखिक रूप से किया जा रहा था उसी तरह से इनका भी मौखिक ही हो रहा था ठीक है तो इसका आनंद बुद्ध के चचेरे भाई थे जो आनंद जो बुद्ध के बहुत प्रिय शिष्य भी थे तो आनंद ने इसका जो है ससुर पाठ किया था बोलकर सुनाया था फर्स्ट काउंसिल में इसका सब्जेक्ट वही है कि जितने भी जो मूल शिक्षाएं हैं ठीक जो मूल शिक्षाएं हैं वही है सूत्र का शाब्दिक अर्थ तो ऐसे देखो सूत सूत्र से निकला है सूत्र का मतलब होता है धागा यानी जोड़ने वाला यहां पर सुत का जो है जो जोड़ता है उसका अर्थ करते है यहां पर बुद्ध का प्रवचन ठीक तो सूत पिटक में भी पांच निकाय हैं यानी पांच संग्रह है सूत पिटक के ही जो बुद्ध की के जो इतने आवश्यक सिद्धांत थे उस पर इसको विकसित किया गया तो दिख निकाय दिघ निकाय ये सारी किताबों का नाम सभी ग्रंथों का नाम आप लोग याद रखेंगे एक तो पहले ये याद रखिए कि निकाय किसका पार्ट है तो सूत पिटक का ये सबसे लंबा संग्रह है इसमें चौतीस प्रवचन है बुद्ध के 34 है इसमें ठीक मध्यम मध्यम निकाय निकाय ये इसमें मध्य लंबाई शामिल है मतलब मध्य मतलब बहुत लंबा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है संयुक्त निकाय इसमें बुद्ध के से जुड़े हुए प्रवचन शामिल हैं और कुछ भिक्षुओं के बाद में डाले गए थे अंगुत्तर निकाय में इसमें जो है बुद्ध के जो है सभी जो है संख्यात्मक जो है प्रवचन शामिल है जैसे अंगुत्तर निकाय से हम लोगों को 24 16 महाजन पदों के बारे में भी पता चलता है तो सूत पिटक में पांच और कौन-कौन से निकाय हैं तो दिग निकाय मध्यम निकाय संयुक्त निकाय अंगुत्तर निकाय ये हैं ठीक खुदक निकाय याद रखिएगा खुदक निकाय जो है किसका था तो खुदक निकाय इसी का है खंडक विनय पीटक का है खुदक इसका है खुद इसमें जो है ये लघु संग्रह है ठीक ये लघु संग्रह है और इस सब में ही इन सब में ही मैं जैसा कि मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे बुद्ध ने जो सिद्धांत दिए थे कुछ कविताएं जो रची गई थी उन सब का एक मिश्रण है ये ठीक और खुदक निकाय में धम पद है धम पद और सूत निपात ये खुदक निकाय में है कहते हैं खुदक निकाय का ही एक पाठ है राहुलवाद सूत और अशोक का जो धम है जो अभी मैंने आप लोगों को मौर्य साम्राज्य में पढ़ाया था अशोक का जो धम है वो कहा जाता है कि राहुलोवाद सूत से ली गई है और राहुलो सूत वाद सूत जो है वो खुदक निकाय का पाठ है ठीक तो खुद पिटक में सभी बुद्ध के वो शामिल किए गए अब बात करते हैं अभिधम पिटक अभी पिटक ये इसको कहते हैं उच्च सिद्धांत की टोकरी इस क्लास में आप लोगों का प्रेजेंस देख के मुझे लग रहा है कि बहुत सारी स्टूडेंट को ये इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा होगा शायद उनको लगता होगा कि बहुत बार पढ़ा दिया है मैडम ने या हमने बहुत बार पढ़ लिया है और हमारे लिए इतना ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है याद तो होता नहीं है लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन श्योर sure है मैंने इसके पहले भी जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और मैंने इसके पहले भी सेशंस में पढ़ाए थे और मैंने फिर हर बार एग्जाम में जब आ जाता है तो मैं दिखाती हूँ कि देखो ये मैंने पढ़ाया था देखो ये मैंने पढ़ाया था ठीक है तो हर बार मैं भी सेशंस को अपडेट करती हूँ अकॉर्डिंगली जैसे इसमें देखिए आप लोग मैं पिटकों का बहुत ही वैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ पिटकों को ज़्यादा डिटेल में हर बार इतना डिटेल में मैं नहीं एक्सप्लेन करती हूं तो मेरे सेशन में जितने भी स्टूडेंट रहते हैं आप सेशन में रेगुलर रहिए अगर पास करना है प्रीलिम्स प्रीलिम्स पास करना है तो आपको रेगुलर रहना ही पड़ेगा अगर आप एक सेशन लोगे एक सेशन नहीं लोगे किसी को इंपॉर्टेंट समझोगे किसी को नहीं समझोगे या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि ये मुझे आता है ठीक ये मुझे आता है तो फिर क्या होगा कि यहीं पर मिस होंगी चीजें यहीं पर छूट जाओगे और जब छूट जाओगे तो फिर दिक्कत होगी सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए अति आत्मविश्वास में नहीं आना चाहिए और हर फैक्ट को हर टॉपिक को बहुत ही बार 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 हम लोगों को रिवाइज करना चाहिए बार बार हम लोगों को पढ़ना चाहिए ठीक है तो अभी धम पिटक मैंने इसीलिए सबका ब्रैकेट में डाल दिया इसको कहते उच्च सिद्धांत की टोकरी कहते हैं कि जो उच्च सिद्धांत मतलब कि बुद्ध के जो सिद्धांत दिए हुए जो बुद्ध के उपदेश है उन पर मीमांसा किया गया ठीक और अभिधाम का जो सार है बुद्ध ने ज्ञानोदय यानी बुद्ध ने एनलाइटमेंट के बाद बुद्ध ने जो कहा था जो बुद्ध ने आप मैं बौद्ध धर्म पढ़ा चुकी हूं और हम पढ़ चुके कि उन्होंने अपने प्रथम उपदेश में क्या कहा था तो जो उन्होंने अपने एनलाइटमेंट के बाद जो कहा था उसी को इसमें संकलित कहा किया गया और इसको सारी पुत ने दोहराया था ठीक सारी पुत ने ही इसको अब बाकी के शिष्यों तक पहुंचाया था सारी पुत को बुद्ध ने बताया ठीक अपने शिष्यों तक इन्होंने बुद्ध ने इसे सारी को बताया और सारी ने उनको बाकी शिष्यों तक दोहराया था तो सारी पुत के बारे में भी आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी क्योंकि हमें संबंधित व्यक्तित्व तो भी पढ़ना है ना तो सारी पुत के बारे में भी बताऊंगी ठीक तो अभी पिटक का सब्जेक्ट क्या है आप समझ गए होंगे इस टाइटल से ही समझ गए होंगे कि मतलब ये बुद्ध की शिक्षाओं का एक उच्च और उन्नत सूत्रीकरण है पूरी तरह से मतलब एकदम उसका मीमांसा करके विश्लेषण करके वहां पर व्याख्या की गई है तो मतलब अभिधम पिटक में दर्शन और तत्व मीमांसा आपको तो मिलेगा दर्शन मिलेगा और तत्व मीमांसा इसमें नैतिकता मनोविज्ञान ज्ञान के सिद्धांत और जो आध्यात्मिक समस्याएं हैं जीवन क्या है जीवन के बाद क्या होता है यहाँ जीवन का उद्देश्य क्या है हमें धरती पर कैसे रहना चाहिए किस तरह हमें मुक्ति मिलेगी इन सभी विषयों पर उनका जो है प्रवचन उनके सिद्धांत इसमें शामिल किए गए हैं ठीक तो अभी पिटक का अगर आपको सब्जेक्ट पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे कि बुद्ध की शिक्षाओं की मानसिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पीछे के सिद्धांत का ये विवरण देता है कि बुद्ध ने कोई अगर शिक्षा दी अगर बुद्ध ने कहा कि निर्वाण ही निर्वाण ही तुम्हारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए तो बुद्ध ने ये क्यों कहा तो इसके पीछे बुद्ध की शिक्षाओं की मानसिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पीछे क्या विवरण रहा बुद्ध ने ये, ये क्यों कहा इन सब को एक्सप्लेन किया गया है ठीक ये कहता है कि मतलब हाँ, परमथा एक टर्मनोलॉजी है पाली भाषा का परमथा कि जो हमारा अल्टीमेट जो अल्टीमेट गोल है लाइफ का उस पर मतलब उस अल्टीमेट शिक्षा को ये व्यक्त करता है और ये मनोदार्शनिक साइकोलॉजी साइकोफिलोसफिकल लैंग्वेज में सारी चीजें ये बताता है कौन अभिधम पिटक तो जिनको बौद्ध धर्म को समझना है वो वो अभिधम पिटक को पढ़ते हैं अभिधम पिटक का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है अगर आप लोग ढूंढोगे ना उस पर ये अपना कौन सा है जिस पे हम ऑर्डर करते हैं एमेजॉन एमेजॉन फ्लिपकार्ट तो यहां पर भी आप लोगों को दिखता है ये तो अभी धम पिटक में भी देखो सभी जितने पिटक हैं उसमें कई सारे कलेक्शन हैं आपको मैंने दिखाया बिने पिटक सूद पिटक उसी तरह धम पिटक में भी सात सात पुस्तकें शामिल है धम संगनी विभंग धातु कथा पुगल पन्नती, कथावत्थु यमक और पथन यही सब नेति प्रकरण जब पूछा गया था तो आपने सोचा था कि नेति प्रकरण पूछा जा सकता है सोचा था आपने मैंने नहीं सोचा था कि नेति प्रकरण पूछा जाएगा क्योंकि कॉमन बुक वही अश्वघोष बुद्ध घोष जो कॉमन किताबें हैं वो यही थी और पिटक लेकिन आपसे नेति प्रकरण पूछा गया आप लोगों से 2020 में पूछा गया प्रज्ञा परामिता सूत्र तो प्रज्ञा परामिता सूत्र जब पूछा गया था तो आपने सोचा था नहीं सोचा था तो क्योंकि आपको हमेशा टारगेट करेगा एग्जामिनर कि वो आपसे अलग एक यूनिक क्वेश्चन वो पूछे और उसके लिए ये सिलेबस का आपका पार्ट है भाई प्र, आपको पढ़ना है आपको बौद्ध धर्म पढ़ना है बौद्ध धर्म से रिलेटेड लिटरेचर भी पढ़ना है पर्सनालिटीज भी पढ़ना है तो उसका एग्जामिनर के पास तो एक बहुत ही डायनेमिक उसका दायरा जो है बहुत ही विस्तृत है और वो कहीं से भी एक पूछेगा वो वो तो उसके उसका टारगेट क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो क्रीम है जो सबसे ज़्यादा जो पढ़ने वाले हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ा है वही आए एग्जाम में तो इसलिए वो पूछेगा मैं ये शेयर कर दूंगी ये सेम एज इट इज ये पी क्योंकि हर बार थोड़ा डिस्कशन में रहते हैं हम लोग तो कई बार पी मुझे अलग से आप लोग के साथ शेयर करना पड़ता है ये तो एज इट इज़ मैं आपको शेयर कर दूंगी पिटकों के अलावा कुछ बुक्स हैं मिलिंद पन्ह, जिसमें बहुत भिक्षु नागसेन के साथ उनकी चर्चा है पाली लैंग्वेज की ये बुक है फर्स्ट सेंचुरी बीसी की है ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी तक माना जाता है तो इस पर आपका 2023 में पूछ लिया गया है 2023 में अब आपसे मिलिंद पन्ह और नागसेन के बारे में नहीं पूछा जाएगा नेतिगंध नेतिगंध को ही नेति प्रकरण कहते हैं यह आप लोगों से 2021 में पूछ लिया गया है ठीक तो 2021 में आप लोगों से ये पूछ लिया गया है और आप लोगों से जो है 2022 में जो पूछा गया है वो भी मैं दिखाऊंगी जो 2023 में पूछा गया है वो भी दिखाऊंगी आपको तो मतलब कि हर बार ही ये वाला नेति प्रकरण जो है ये आपका पूछा गया है ट्वेंटी ये 2022 का है ठीक तो यहां से क्वेश्चन है अब आपका नेति प्रकरण क्योंकि पूछ लिया गया है तो नेति प्रकरण के बारे में आपको डिटेल में आपको बताती हूँ कि हो सकता है बाद में आपसे डिटेल पूछा जाए नेति प्रकरण का जो मीनिंग होता है ये मार्गदर्शन की पुस्तक है बुक ऑफ गाइडेंस और इसके जो राइटर हैं वो है महाकचना अच्छा इसमें ना महाकक्कन कहेंगे कचना कहेंगे इसका जो स्पेलिंग इस है वो है एम ए डबल सी ए एन ए ठीक तो महाकन्ना भी कह सकते हैं महाकक्कन्ना या महाकचकन्ना ऐसे ही इसका प्रोनाउंसिएशन है पाली लैंग्वेज में है ये ठीक है और ये एक पौराणिक पौराणिक मतलब डिटेल के साथ माइथोलॉजिकल ये जैसे है ना बुद्ध को लेकर के बहुत सारी वैसी कल्पनाएं की गई हैं कहा गया बुद्ध में बहुत सारा डिवाइन पावर देखा गया है तो ऐसे माइथोलॉजिकल बहुत ग्रंथ है ये ठीक और बौद्ध धर्म के खुदक निकाय थेरावाद के खुदक निकाय में शामिल किया जाता है तो मतलब इसका जो है पाठ का कोलोफोन देखकर कोलोफोन क्या कहते किसको कहते हैं कि पाठ के शुरू में या लास्ट में जो डिटेल दिया रहता है ना विषय वस्तु का ठीक तो जो प्रकाशन विवरण वगैरह दिया रहता है तो उससे ये अनुमोदित किया गया था कि इसे प्रथम पर जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसी में इसको सुनाया गया था और इसको दो प्रभागों में विभाजित किया गया है संघावरा और विभागवर संघ हावरा और विभागवर ठीक अब हम लोग बात करते हैं बुद्ध घोष की जो फिफ्थ सेंचुरी में हुए थे बुद्ध घोष बुद्ध घोष अश्वघोष का नाम आप लोगों ने सुना होगा वैसे ही ये बुद्ध घोष हैं। तो ये जो बुद्ध घोष हैं, ये पाली साहित्य के महानतम विद्वान माने जाते हैं पांचवी शताब्दी ईस्वी में बोध गया में पैदा हुए थे वहीं पर जहां पर बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला था और इन्होंने कई सिंघली टिप्पणियों का पाली में अनुवाद अनुवाद किया इनकी प्रसिद्ध जो रचना है वो है विशुद्धि मग अभी ये नहीं पूछा गया याद रखना अभी विशुद्धि मग नहीं पूछा गया है ठीक तो इनकी जो फेमस बुक है वो कौन सी है वो विशुद्धि मग है विशुद्धि मग और इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध रिलीजन तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म किस बुक को कहा जाता है तो किस बुक को कहेंगे आप आप कहेंगे कि ये जो है विशुद्धि मग रिटेन बाई बुद्ध घोष तो बुद्ध घोष ने जो विशुद्धि मग लिखी है पाली लैंग्वेज में उसको हम क्या कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म ठीक है और त्रिपिटकों को, को एक्सप्लेन भी किया इन्होंने बुद्ध घोष ने सिर्फ विशुद्धि मग नहीं लिखा है बल्कि इन्होंने त्रिपिटकों की व्याख्या की है ठीक है और इनकी एक और जो पहली महत्वपूर्ण रचना थी उनकी निदान कथा तो ये भी आप लोगों को पूछ लिया गया है निदान कथा भी पूछ लिया गया है आप लोगों से ये 2021 में पूछा गया है तो आप देखिए आपको लगातार यहां से क्वेश्चन मिल रहे हैं लगातार हेलो एवरीवन लेकिन आप लोगों का नॉन सीरियसनेस देख के मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ ही नहीं रहे हो अभी प्ले लिस्ट नहीं बना है एबी शॉर्ट्स आज ही मैं टीम को कहती हूं प्ले लिस्ट बनाने के लिए आज ही बोलती हूं ठीक है तो निदान कथा पूछ लिया गया आप लोगों से कुछ और बुक्स में जैसे श्रीलंकन बुक्स हैं तो श्रीलंकन बुक्स हैं दीपवंश ये चौथी पांचवीं शताब्दी में लिखी गई है महावंश दीपवंश महावंश ये जो कि पांचवी शताब्दी में तो इसमें जैसे बुद्ध की लाइफ स्टोरी उनका जीवन कथा बौद्ध संगीतियाँ और अशोक और मौर्य वंश के बारे में मैंने आप लोगों को जब मौर्य अंपायर पढ़ा रही थी तो मैंने सोर्स में बताया था कि हमें अशोक के बारे में दीप वंश और महावंश से भी पता चलता है तो दीप वंश महावंश याद रखिएगा ललित विस्तार ये ये, ये सब श्रीलंका के राजवंश के बारे में भी पता चलता है मौर्य राजवंश के बारे में भी पता चलता है और बुद्ध के बारे में तो लिखा ही गया है ठीक तो आप लोग इनको याद रखेंगे पा पाली भाषा में शुरू में देखो बौद्ध टेक्स्ट को दो आ, उसमें बांटा गया है नितिन सिंघानिया जी भी अपनी बुक में लिखते हैं और उपेंद्र सिंह लिखते हैं कैनोनिकल नॉन कैनोनिकल कैनोनिकल अगर आपको कहा जाए कि भाई कैनोनिकल किसे किसे कहा जाता है कैनोनिकल हम किसे कहेंगे तो कैनोनिकल का मतलब होता है कि कोई बुक वो ग्रंथ वो एपिक जो एक खास टाइम फेज में एक खास विषय वस्तु पर उसको लिखा गया एक खास समय और संस्कृति को जो प्रेजेंट करता है ठीक उसको कैनोनिकल कहा गया और नॉन कैनोनिकल जो एक खास टाइम पीरियड को तो नहीं लेकिन हाँ उस धर्म से संबंधित जो वो बातें हैं उस व्यक्ति से संबंधित जो बातें हैं वो कैनोनिकल तो कैन ये कैनोनिकल में अभी तक जो त्रिपिटक वगैरह जो है वो सब कैनोनिकल में आता है नॉन कैनोनिकल की अगर हम लोग बात करें तो नॉन कैनोनिकल में जैसे इसको कुछ लोग धर्मेतर भी कहने लगे पर धर्मेतर नहीं है ये सब बहुत धर्म पर ही आधारित है ठीक है तो इसमें जो है बाद में ऐसा देखा गया कि संस्कृत का इस्तेमाल होने लगा जो महायान रिलीजन जो आया तो महायान रिलीजन में मूर्ति पूजा तो शुरू ही हो गई हिंदुइज्म की तरह और इसके साथ-साथ संस्कृत भाषा का भी इस्तेमाल करने लगे और संस्कृत भाषा का मतलब समझो तो बुद्ध ने या महावीर स्वामी ने संस्कृत भाषा का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जरा बताइएगा आप लोग आंसर में कि बुद्ध ने पाली भाषा जो कि प्राकृत भाषा लोकल लैंग्वेज का ही एक टाइप है तो बुद्ध ने पाली भाषा का इस्तेमाल किया और जो उनके कोर फॉलोअर्स रहे ही उन्होंने हमेशा ही इस बात को मेंटेन रखा कि हम पाली भाषा का ही इस्तेमाल करेंगे महावीर स्वामी ने अर्धमागधी भाषा का इस्तेमाल किया दोनों ने ही संस्कृत को अवॉइड किया तो दोनों ने संस्कृत को क्यों अवॉइड किया होगा आप बता सकते हैं कि आखिर इन दोनों ने क्यों संस्कृत जो कि उस समय बहुत चल रही थी बहुत ज्यादा प्रिविलेंट था उसके बाद भी संस्कृत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया रमनदीप कह रही है कि लोगों की भाषा थी एक एस्पेक्ट ठीक है आपका इसके अलावा सभी को उपदेश समझ में आए और उसको जो है बाद में कोडिफाई करने लगे तो भी एक और पॉइंट याद रखिएगा स्नेहा रमनदीप फ्यूचर वो ब्राह्मणिकल सिस्टम को उन्होंने रिफ्यूज किया था रिजेक्ट किया था उन्होंने ब्राह्मणीय व्यवस्था को और जो संस्कृत भाषा है वो ब्राह्मणिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करती थी संस्कृत अभी भी हमारे यहां पर जो संस्कृत भाषा है वो एक तरह से कि हमारे जो जो हमारा क्लासिकल लिटरेचर है जो संस्कृत जिसे हम कहते हैं जो संस्कृत साहित्य है उसको वो प्रतिनिधि उसका प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि सभी जितने भी ब्राह्मण टेक्स्ट हैं वैदिक टेक्स्ट हैं वैदिक टेक्स्ट उसके बाद ब्राह्मण टेक्स्ट ये सब के सब किस लैंग्वेज में लिखे गए तो संस्कृत में लिखे गए और ब्राह्मणिकल सिस्टम का मतलब कर्मकांड आधारित पद्धति और वर्णा सिस्टम एंड सुपरमेसी ऑफ ब्राह्मण्स तो इसी को उन्होंने रिजेक्ट किया उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानते इसको ठीक है तो इसलिए जो है लेकिन महायानियों पर तो असर था पूरा का पूरा हिंदुइज्म का मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा करने लग गए मूर्ति पूजा के बाद फिर संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करने लग गए धीरे धीरे कर्मकांड भी करने लग गए तो सब कुछ इसमें शुरू हो गया था तो संस्कृत में जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो बौद्ध रचनाएं हैं तो वो भी महत्वपूर्ण है और आप लोगों से वो भी पूछा जाएगा कई बार पूछा जाएगा ओके ध्रुव बात करते हैं भी, ठीक। तो संस्कृत में महायान के साथ याद रखिएगा, महायान के साथ संस्कृत का हुआ हालांकि कुछ महानेत्र जैसे थेरावादियों ने भी इस्तेमाल किया था लेकिन मेन किस किस का हुआ तो महायान का रहा तो अश्वघोष इसमें बहुत ही फेमस बहुत ही फेमस जो राइटर रहे वो रहे अशोक घोष एटी टू वन एडी इनका पीरियड है तो इनकी बुद्ध चरित तो बहुत बार पूछा जा चुका है बुद्ध चरित तो गौतम बुद्ध की जीवन और शिक्षाओं पर बुद्ध चरित जो इन्होंने लिखा बुद्ध चरित के अलावा जो इनकी बुक और है इंपॉर्टेंट वो है सौद सौंदरानंद सौंदरानंद ये एक काव्य कविता है ठीक है बुद्ध के सौतेले भाई ने जिस तरह से धर्म परिवर्तन किया ताकि वो मोक्ष प्राप्त कर सके उस पर ये कविता है ठीक एक इनकी बुक है भी वैसे सारी पुत्र प्रकरण इनका ये भी एक फेमस बुक है सारी पुत्र प्रकरण तो सारी पुत्र की बुद्ध के जो एक काउंसिल थी मतलब काउंसिल मत को बुद्ध के कुछ खास दस शिष्य थे उसमें एक सारी पुत्र भी थे ठीक मैं बताऊंगी आज उनके बारे में आपको तो उसी पर इन्होंने एक बुक लिखी सारी पुत्र प्रकरणन और एक ऐसे नाम उन्होंने सारी पुत्र लिया था ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने जो है बुद्ध के बहुत ही खास रहे बुद्ध के ये बहुत ही वो रहे विशेष शिष्य रहे वज्र सूची ये वैदिक विद्यालयों द्वारा समर्थित जो जाति व्यवस्था पर बुद्ध क्या सोचते थे उस पर ये उनका लेखन है वज्र सूची तो ये एक विवादात्मक विवादास्पद विवादात्मक ये लेखन माना जाता है कौन सा वज्र सूची तो अश्वघोष का याद रखिएगा बुद्ध चरित बुद्ध चरित सौंदरानंद सौंदरानंद नाम के एक बौद्ध भिक्षु पर है सारी पुत्र प्रकरण वज्रसूची ये, ये किताबे ठीक अभी अभी आपका सिर्फ और सिर्फ बुद्ध चरित पर क्वेश्चन आया है बाकी पर नहीं आया है ठीक औदान कथा औदान का ये 2022 का आपका क्वेश्चन है ये भी पूछ लिया गया है औदान शतक औदान शतक भी पूछ लिया गया है आपसे आप देखिए 2021 से आपका 22 23 का मैंने क्वेश्चन आपको यहां पर दिखा दिया है अभी 23 का आपको दिखाऊंगी यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है तो अवदान मैंने आपको बताया कि अवदान निदान अंग जब भी आप लोग का आता है हालांकि अंग उपांग चुड़नी भाष्य आपका जैन साहित्य में भी आता है पर अवदान निदान ठीक है ये सब आपका इसी में आता है तो ये जो है इसमें बुद्ध और सम्राट मौर्य अशोक से सॉरी मौर्य सम्राट अशोक से जुड़ी कथाएं किसमें है तो अवदान शतक सेकेंड सेंचुरी और दिव्यावदान फोर्थ सेंचुरी तो अवदान शतक पूछ लिया गया आप लोगों से याद आ रहा होगा आप लोगों को आज देखो बुद्ध क्यों बुद्ध से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट से और बुद्ध बोधिजन से जुड़े व्यक्तित्व पर क्योंकि बुद्ध आप लोगों को पता है कि जो वर्तमान सरकार है उसने एक बुद्धा सर्किट बनवाया क्योंकि सबसे ज्यादा जो पिलग्रिमेज आते हैं भारत में वो बौद्ध धर्म पर से संबंधित आते हैं क्योंकि बुद्ध का ये जन्म बुद्ध का जन्म स्थान तो मान लो लुम्बिनी था पर जो वो एक पाठ हुआ करता था कपिल वस्तु का और कपिल वस्तु भारत में है सहित महित तो बुद्ध लेकिन बुद्ध की सारी शिक्षाएं जो रही बुद्ध का जो कार्यस्थल रहा वो भारत भारत ही है तो जहां जहां पर बुद्ध से जुड़ी जो स्थान है जहां जहां पर बुद्ध ने घूम घूम कर उपदेश दिया वो सभी है और जितने भी ये हमारे जो है साउथ ईस्ट एशियन जापानी चाइनीज ये सभी पिलग्री में जो अगर आप एशियन जो हैं ये सारे वो आते हैं भारत में उनके लिए एक बहुत बड़ा ये तीर्थ स्थान है तो अब यहां पर गवर्नमेंट को इसे क्या आता है तो भाई फॉरेन करेंसी भी आ रही है भारत का एक वैल्यू भी है तो आप लोगों को से के थ्रू गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई एक, जो आई बनकर आएंगे उनको अच्छी तरह से बुद्धिस्ट वैल्यू पता होना चाहिए उनको बहुत अच्छे से ये पता होना चाहिए कि भाई क्या है बौद्ध धर्म का क्या वैल्यू है और उससे जुड़ा हुआ जो लिटरेचर है जो भी बुद्धिस्टम से जुड़े हुए जो भी स्पेक्ट है उन सब का ही वैल्यू है तो इसलिए आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो पूछेगा तो आप डिटेल में पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे तो हम जैसे टीचर आपको जबरदस्ती पढ़ाएंगे जबरदस्ती आपको कहेंगे कि नहीं तुमको पढ़ना पड़ेगा तुमको याद करना पड़ेगा सिर्फ मजे लेने वाले विषय नहीं पढ़ने हैं तुमको वो भी विषय पढ़ने हैं जहां पर मेहनत करनी पड़ेगी जहां बार बार रिवीजन करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा ठीक है तो देखिए ये 2020 का क्वेश्चन प्रज्ञापरा सूत्र ठीक ये 2020 का क्वेश्चन है ये जिसमें महायानियों का का सिद्धांत को लिखा गया है प्रज्ञा परामिता सूत्र और एक और बुक है सद धर्म पुंडरिक ये अभी नहीं पूछा गया है तो इसमें बुद्ध बोधिसत्व भविष्य में जो आने वाले बुद्ध हैं मैत्रेय महायान सिद्धांतों का वर्णन किया गया है प्रज्ञा परामिता सूत्र जिसे दिगनाग ने लिखा है सदधर्म पुंडरिक ठीक तो प्रज्ञा परामिता सूत्र पूछ लिया गया है अभी ये नहीं पूछा गया है जिसे मैंने राउंड किया है तो यह भी याद रखिएगा अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि सद पुंडरिक किससे जुड़ा हुआ है ठीक तो बाद के महायानी विचारकों में नागार्जुन वसुबंधु असंग आर्यदेव बुद्ध पालित और दिगनाग तो ये आपका दो का क्वेश्चन है दिगनाग और आर्यदेव ये ट्वेंटी का क्वेश्चन है आपका दिगनाग और आर्यदेव का पूछा गया था कि ये किस को कितना पेड़ सुमेलित है कितने पेड़ इसमें सुमेलित हैं तो आर्यदेव को कह दिया गया था कि ये जो है वैष्णव आचार्य हैं ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना इसमें ठीक है तो ये जो है मतलब इन ये जो बौद्ध विद्वान रहे हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसमें जैसे देखिए आर्यदेव और दिगनाग तो पूछ लिया गया है आप लोग इनका नाम याद रखिएगा नागार्जुन नागसेन पूछ लिए गए नागार्जुन और नागसेन अब नहीं पूछा जाएगा वो मिक्स किया गया था मिलिंद पन्ह वाला मिलिंद पनहो के साथ नागार्जुन का नाम जोड़ दिया गया था वसुबंधु असंग बुद्धपालित ठीक तो इन लोगों का नाम याद रखिएगा ये सभी कैसे भी क्या है बाद विद्वान है जिसमें मैं आप लोगों को अभी दिगनाग और वो असंग वसुबंधु के बारे में भी बताऊंगी आप लोगों को ठीक तो बुद्ध के दस महान शिष्य थे दस महान शिष्य थे जिसको अपने बुक नितिन सिंघानिया जी भी अपनी बुक में चर्चा करते हैं इनकी मैंने कहा ना कि मेरा जो ये आर्ट एंड कल्चर का जो ये मेरी क्लास रहेगी ये कॉम्प्रिहेंसिव होगी हर जो भी बुक्स हैं जहाँ से अच्छी अच्छी चीजें उनको उठा कर हम लोग जो है पढ़ेंगे यहाँ पर किसी एक बुक कोई भी एक बुक सब कुछ कंप्लीट नहीं करता है ना मैं ही एक किताब लिखूंगी जो जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा तो आपको मेरी बुक में भी शायद कमी लगेगी कुछ उससे एडिशनल कोई दूसरा ऑथर लिख देगा तो ऐसा होता है कि मतलब जो भी जैसे मेरी क्लास है मेरी क्लास में आपको कुछ कमी लगती होगी किसी दूसरी क्लास में वो उसको और आपको कुछ डिटेल में बता देता होगा तो इसीलिए हमेशा क्या होना चाहिए कि हम बार बार जब बुक स्पेशली जब टेक्स्ट बुक हम लोग जब जैसे पढ़ते हैं तो आप सौ टेक्स्ट बुक तो पढ़ नहीं सकते हो अगर आपको कहा जाए ये भी पढ़ लो उसमें ये कुछ नया है ये भी पढ़ लो इसमें कुछ नया है तो आपका बहुत सारा टाइम उसमें कंज्यूम होगा और आपको सिर्फ एक विषय तो पढ़ना नहीं है आपको कई विषय पढ़ने हैं ठीक आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी आपको हिस्ट्री की नहीं करनी है तो इसलिए जो है एक टीचर आपको जब सारा कुछ अपनी क्लास में देने की कोशिश करता है कि भाई आपको आपका कोई भी फैक्ट ना छूटे तो आपको वह, वहां पर थोड़ा सा सीरियस होकर बढ़ना चाहिए तो देखो सारी प्रकरण जो अशोक घोष ने जो बुक लिखी है तो ये सारी पुत, जो है बुद्ध के प्रमुख दो शिष्यों में रहे मौत गलायन इनके बारे में भी बताऊंगी आपको मैं तो सारी पुत्र पहले शिष्य शिष्य थे जिन्हें बुद्ध ने अन्य भिक्षुओं को आदेश देने की उपदेश देने की अनुमति दी थी तो इसमें हम लोग ने ना? अभी धर्म का संकलन तभी शुरू हुआ था जब बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला बुद्ध ने क्या फील किया वो पहले सारी पुत्र को बताया फिर सारी पुत्र ने अन्य शिष्यों को बताया और बौद्ध धर्म एक पूजनीय व्यक्ति है ये ठीक है तो इनको दूसरे बुद्ध के निकट का दर्जा दिया गया है कि मतलब बुद्ध से थोड़े ही कम बुद्ध से मिलते जुलते रहिए बुद्ध का ज्ञान सबसे ज्यादा किस में रहा तो भाई जो सबसे अग्रगण्य उनका शिष्य होगा उसी में तो बुद्ध का ज्ञान सबसे ज्यादा रहेगा तो सारी पुत्र को माना जाता है दूसरे शिष्य हैं मौद या इनको महामोगलन के नाम से ज्यादा जाना जाता है तो महामोगलन ये भी ये भी पहले दो खास शिष्य सारीपुत और महामोगलन ठीक ये दो खास उनके शिष्य रहे तो महामोगलन का नाम भी आप लोग याद रखिएगा इन्हें बुद्ध के सहचारी दो शिष्यों में एक सारीपुत्र के बाद इनको दर्शाया गया है महामोगलन ठीक महाकश्यप तो बुद्धिस्ट काउंसिल जब आप लोग पढ़ते हो तो आप लोग पढ़ते हो ना कि पहली जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तो ये भी बुद्ध के अतरंग शिष्यों में से थे ठीक और जिस साल बुद्ध की 483 एटी थ्री में डेथ हुई उस समय सबसे ये बड़ी सदस्य थे इन, फादर ऑफ इनको कहा जाता है फादर ऑफ संघ बुद्ध संघ ठीक तो महाकश्यप को कहा जाता है संघ के पिता और बुद्ध और के बाद भिक्षु और भिक्षुणियों के नेतृत्व को इन्होंने संभाला और संगीति की अध्यक्षता तो इन्होंने की ही थी ठीक अब बात करते हैं हम लोग आनंद की तो आनंद बुद्ध के फेवरेट फेवरेट जो है शिष्यों में से थे और इनके कजिन भी माने जाते हैं चचेरे भाई भी माने जाते हैं तो देखिए आनंद कैसे सोचते हुए जा रहे हैं कि वो बुद्ध के पास मतलब बुद्ध के पास जाएंगे उनको प्रणाम करेंगे बुद्ध उनको गले से लगाएंगे तो मतलब आनंद बहुत क्लोज थे इनके तो दक, दस प्रमुख शिष्यों में से एक जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो बुद्ध के पास यही थे ठीक है तो ये जो है आ, मतलब धम के कोषाध्यक्ष के रूप में इनको जाना जाता है आनंद सर्वश्रेष्ठ स्मृति धम के कोषाध्यक्ष के रूप में जाना जाता है ये उसके जो है एक तरह से पर्याय है 20 तो से अधिक वर्षों तक के साथ रहे थे इन्होंने ही क्वेश्चन पूछे थे कि पुनर्जन्म होता है हाँ पुनर्जन्म होता है बुद्ध ने कहा। तो फिर फिर तो फिर फिर बोले कि ये आत्मा क्या आत्मा क्या है, अमर है क्या सच में आत्मा जैसी कोई चीज है जैसा कि अभी उपनिषद कह रहे हैं ब्राह्मी कह रहे हैं तो बुद्ध ने कहा कि हमें रोगों के, का, के इलाज का सोचना चाहिए रोग के कारणों पर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए तो बुद्ध खामोश रह गए थे ठीक तो बुद्ध की मृत्यु के बाद महाकश्यप के मार्गदर्शन में ये चलते रहे थे कौन आनंद जो कि बहुत ही कम उम्र में बुद्ध के शिष्य बन गए थे और बुद्ध से बहुत प्रिय भी थे और बौद्ध संघ में स्त्रियों को शामिल करने का श्रेय किसे जाता है अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध संघ में स्त्रियों को शामिल करने का श्रेय किसे दिया जाता है तो आप कहेंगे आनंद आनंद जब जब इनकी मां प्रजापति गौतमी रोते रोते आई थी पाटलिपुत्र एक बार बुद्ध ने वापस कर दिया जब दूसरी बार तो आनंद ने ही निवेदन किया था बुद्ध से कि आ ये कितनी परेशान है आप इनको शामिल कर लीजिए ठीक मैं त्रायणी पुत्र तो देखिए सबका पिक नहीं मिला तो मैंने जिनकी जिनकी पिक नहीं मिली वहां पर मैंने ये पिक लगा दी है एक बौद्ध भिक्षु की भाई वो आप पीछे से ऐसी दिखते होंगे आगे से चाहे वो जैसे दिखें। तो मैत्राणी पुत्र ये सभी दस शिष्यों में से मतलब एक महानतम धर्म के महानतम शिक्षक थे ये बहुत अच्छी तरह से ये शिक्षा दे देते दे थे, थे तो मैत्राणी पुत्र अनुरुद्ध की भी फोटो नहीं मिली ये गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु के समय अनिरुद्ध भी इनके साथ उपस्थित थे तो अनिरुद्ध ठीक अनिरुद्ध राहुल तो इनके बेटे ही थे तो आपको पता है कि राहुल राहु से राहुल शब्द बना है जब बुद्ध को पुत्र पैदा बुद्ध विवाह ही नहीं करना चाहते थे विवाह कर दिया गया जब बुद्ध को पुत्र पैदा हुआ तो जैसे राहु ग्रसित कर लेता है और आप छूट नहीं पाते हो उसके चंगुल से तो कहते हैं कि जब रा, राहुल के पैदा होने पर पुत्र के पैदा होने पर अपने उठते विचार चंद्र के ग्रसने के लिए राहु समझकर गौतम ने राहुल नाम दिया कि अब तो और एक बंधन आ गया मेरे लिए लेकिन बाद में राहुल ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था और परिवराजक बन गए थे सन्यास ले लिया था बुद्ध राहुल ने भी ठीक तो राहुल भी बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से रहे कात्यायन इन्होंने सबसे अच्छी तरह से बुद्ध के व्याख्यानों को बुद्ध के प्रवचन को समझा था और बुद्ध जो कम में बोलते थे उसको ये विस्तार से लोगों को समझा देते दे थे बुद्ध जो संक्षिप्त में बोलते थे थोड़ा सा बोलते थे उसको विस्तार से लोगों को समझा देते थे तो महायान ग्रंथों में कात्यायन का उल्लेख मिलता है ठीक उपाली उपाली का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा ये जाति से शूद्र थे यानी नाई थे बाद में बुद्ध के दस शिष्यों में से एक हुए ये ठीक है और ये मतलब बहुत ही निपुण थे बहुत ही एफिशियंट थे इसीलिए जो बिने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में बिने पिटक का जो पाठ है वो इन्होंने ही किया था और संघ के अनुशासन के मामलों में ये सिद्धस्थ थे एकदम एक्सपर्ट थे सारे अनुशासन के नियम इनको याद रहते थे और दसवें है सुभृति ये श्रावस्ती में जेतवन मठ के समर्पण समारोह में बुद्ध की शिक्षा सुनने और उसके बाद भिक्षु बन गए ठीक है जेतवन कहां पर है श्रावस्ती जेतवन स्थान भी याद रखिएगा आप लोग तो जेतवन मठ मर्प में समर्पण समारोह वहां पर चल रहा था वहां पर जब बुद्ध का इन्होंने पहली बार उपदेश सुना उसके बाद ये इन्होंने गृह त्याग दिया संन्यास ले लिया और ये बन गए तो थेरावाद जो कि हिन्यान से ही निकला है वो ये मानता है कि मतलब ये उपहार योग्य होने में अग्रगण्य थे ठीक मतलब जैसे किसी को नहीं कहा जाता है कि भाई वो बहुत उसमें प्रेम है दयालुता है ध्यान में निपुणता है वो तो मतलब जैसे वो एक तरह से क्या है कि वो सबको एक तरह से अपना अफेक्शन देते थे तो इसीलिए इनको जो है कहा जाता है कि सबसे अधिक फलवान इनके पास जो व्यक्ति आएगा उसको सबसे ज्यादा फल मिलेगा आपको पता है महायान में इन सभी की भी पूजा होती है ना या यानी भी इनको सिंबॉलिक रूप से मानते हैं तो कहा जाता है कि अगर इनके पास ये जाओगे तो ये आपको जल्दी क्या देंगे आपको अपना गिफ्ट मतलब जल्दी आपको इनाम देंगे तो इसलिए इनको उपहार योग्य कहा जाता है ठीक कुछ अदर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं बुद्धिजन से रिलेटेड तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं जैसे दिगनाग दिग्नाग ऐसे पूछ लिए गए हैं आप लोगों से दिगनाग और आर्यदेव दोनों ही पूछा गया था आप लोगों से है ना दिगनाग भी पूछ लिया गया पर ठीक है मतलब दिगनाग की बुक आप लोग ये कर लीजिए जैसे एक इनका पीरियड है 480 से 540 सौ ईस्वी ठीक है और ये जो है मतलब नि, निगमनात्मक जैसे आप लोग जब जा आगमनात्मक निगमनात्मक होता है इंडक्टिव डिडक्टिव एक वो होता है थिंकिंग होती है एनालिसिस होता है तो ये निगमनात्मक तर्क के विकास की नींव रखी इन्होंने ठीक है और बौद्ध धर्म में तर्क और ज्ञान मीमांसा की एक तरह से इन्होंने प्रणाली बनाई थी और इनका जो वर्क रहा जो इनकी किताबें इनका जो लेखन रहा प्रमाण समुच्चय अभी कोश अभिधर्म कोश इसका मीनिंग भूल भी जाओगे तो चलेगा न्यायमुख न्यायमुख तर्क का परिचय और महायान अष्ट सहस्त्री का ये, ये दिग्नाग जो थे ये महायानी थे दिगनाग आर्यदेव असंग वसुबंधु ये सब कौन है ये सब महायानी है ठीक है तो ये इनकी किताबों का नाम जिनको अंडरलाइन किया है इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा वसुबंधु अभी इनको नहीं पूछा गया है ठीक है तो सर्वस्तीवाद और सौत्रांतिक विचारधारा के दृष्टिकोण से इन्होंने वसुबंधु ने लिखा था सर्वस्तीवाद और सौत्रांतिक सर्वस्तीवाद और सौत्रांतिक एक ही है थेरावाद से ये निकला है भारत में कश्मीर ये जगह माना जाता है ये। बौद्धि धर्म ठीक ये, ये न या छठी शताब्दी के आसपास ये हुए थे और चीन में इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया था बौद्ध धर्म का प्रसार चीन में करने वाले कुछ नाम हैं, ठीक वो आज तीन चार नाम मैं आप लोगों को बताऊंगी बोधि धर्म शांति रक्षित ठीक है और चंद्रकर्ति और ये उनका नाम है एक पदम संभव नहीं ए, हाँ पदम संभव का भी है पदम संभव ने भी तिब्बत नेपाल भूटान मतलब तिब्बत नेपाल भूटान में इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था पदम संभव ने कहां, कहां पर तो तिब्बत नेपाल तिब्बत नेपाल भूटान और हिमालय स्थित कई जो जो राज्य हैं वहां पर पदम संभव ने किया था अतिश इनका नाम मैं भूल रही थी अतिश के पहले शांति रक्षित गए थे शांति रक्षित का भी नाम आप लोग याद रखिएगा यहां पर मेंशन नहीं है काफी लोग कहते हैं शांति रक्षित ठीक है तो शांतिरक्षित अतिश अतिश इनका पूरा नाम है अतिश दीपांकर अतिश दीपांकर इनका पूरा नाम है ये ये दोनों बंगाली थे शांति रक्षित भी और अतिश दीपांकर भी तो ये बंगाली बौद्ध धर्म गुरु के प्रमुख व्यक्तित्व रहे और ग्यारहवीं शताब्दी में ये पाल वंश जब आप लोग पढ़ेंगे ना पाल वंश वही गोपाल धर्मपाल वाला तो इन लोगों की चर्चा आती है उन लोगों ने इनको संरक्षण दिया था ठीक है तो ये लोग महायान पर जब वैसा तंत्रिजम का प्रभाव पड़ने लगा जब वज्रयान निकला यानी महायान में जब तंत्र मंत्र घुस गया था तो महायान का जो तंत्र वाला जो शाखा रहा उसके ये लोग आचार्य थे मतलब वज्रयान संबंधी बौद्ध धर्म विचारों की प्रेरणा जो है यही लोग बने थे ठीक और इनको तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे अभी जीवित है दलाई लामा तो तिब्बती बौद्ध धर्म की पीली टोपी वाली शाखा के आधुनिक आध्यात्मिक गुरु हैं ये पीली टोपी इन लोग के ड्रेस में ये पीला रंग रहता है तो दलाई लामा अभी जीवित हैं, ठीक है तो ये कुछ क्या रहे आपके बौद्ध बौद्ध धर्म के रहे ये लोग विचारक अब मैं आप लोगों को जैन ग्रंथ भी पढ़ा देती हूँ अच्छा आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं आप लोगों को पढ़ा दूं। जैन मैंने एक दिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म मैंने साथ में किया था तो जैन ग्रंथ तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी जैन ग्रंथ आगम के नाम से जाने जाते हैं जैसे बौद्ध ग्रंथ को अंग कहा गया बारह अंग ठीक तो ऐसे ही जैसे जैन ग्रंथ को जो है बारह अंगों को पिटक में बांटा गया और इनको जो है जो जैन ग्रंथ रहे जो आगम इनको भी बाद में जाकर जो है आगम के को फिर इनके उपांग अंग उपांग चुड़नी भाष्य ऐसे करके इनको बांटा गया था ठीक तो जैन ग्रंथ को पढ़ने से पहले हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं देखो उस सेशन में नहीं हो पाया था तो इसलिए मैं आप लोगों का इस सेशन में करवा देती हूँ ये पढ़ने से मतलब है हम लोगों को हम लोगों को मतलब बहुत जैसे ऐसे नहीं वो होना है कि नहीं बस ये सेशन वो सेशन जो छूटा है वो मैं सारा पूरा कराऊंगी तो उस दिन जैनिज्म छूट गया था एकदम मुख्य मुख्य बिंदुओं पर मैं बात करूँगी मुख्य मुख्य बिंदु जैसे इनका जो जन्म है तो इनका जन्म आपको पता है फाइव फोर्टी सबसे मान्य डेट फाइव फोर्टी इनका जन्म और फोर 468 BC इनकी डेथ है ठीक है जीवनी इनकी जीवनी जो है मिलती जुलती हुई है मिलती जुलती जीवनी है इनकी बुद्ध से तो ये भी इनका भी मन नहीं लगता था थोड़ा बीच बीच में ब्लर आ रहा है उसको इग्नोर करिएगा आप लोग तो इनका भी मन नहीं लगता था सांसारिक जीवन में और इनका भी विवाह कर दिया गया था इनको एक बेटी हुई थी इनकी पत्नी का नाम था यशोदा इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ माँ का नाम त्रिशला माँ जो है किंग चेटक की सिस्टर थी त्रिशला और इनका जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था तो ग्यात्रिक याद रखिएगा ग्यात्रिक क्लैन में ग्यात्रिक गण ये गणसंघ था तो ज्ञात्रिक गण में इनका जन्म हुआ था कहाँ पर तो कुंड ग्राम ये तो आप लोगों को याद होगा कुंड ग्राम जो कि वैशाली के पास था तो पिता का नाम फादर नेम सिद्धार्थ मदर मत, नेम त्रिशला वाइफ नेम यशोदा और उनसे एक डॉटर हुई थी पुत्री हुई थी जिसका नाम था प्रियदर्शना तो इन्होंने भी इन, इनको जो है बयालीस साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई क्योंकि इन्होंने जो है तीस साल की उम्र में घर छोड़ा था बारह साल तक इन्होंने तपस्या की थी तो तपस्या मतलब ये जो है जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे लेकिन जैन धर्म इन्हीं के नाम पर जैन कहलाया उसके पहले जैन धर्म क्या किस नाम से जाना जाता था तो निर्ग्रंथ ठीक निर्ग्रंथ संप्रदाय के नाम से जाना जाता था जिसके फाउंडर कौन थे आदिनाथ जिनको आदि देव कहते हैं और ऋषभ देव भी कहते हैं तो इनके जो फाउंडर थे ऋषभ देव थे और जो महावीर स्वामी महावीर क्यों कहलाए क्योंकि न, अब इन्होंने जो है बारह साल तक तपस्या की और अपने सभी इंद्रियों को जीत लिया इसलिए महावीर कहलाए तो इनका रियल नाम क्या था इनका एक्चुअल नाम था वर्धमान इनके माँ बाप ने जो इनका इनका नाम दिया था वो वर्धमान था वर्धमान लेकिन ये जो है महावीर कहलाए और ये जिन भी कहलाए जिन तो जिन का अर्थ होता है विजेता जिन का अर्थ और जीन से ही जैन शब्द निकला जीन से ही और तभी से ये निर्ग्रंथ संप्रदाय जो है क्या कहलाने लगा जैन धर्म तो जैन धर्म में कुल कितने हुए हैं जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं तो पहला तो मैंने बताया कि फाउंडर जो रहे ऋषभ देव तेईसवें थे पार्श्वनाथ जिनके फॉलोअर थे वर्धमान के माता और पिता तो जो इसमें जो है आप लोग हमेशा जैसे कभी आप लोगों के मन में यह सवाल आता है कि तीर्थांकर क्यों कहते हैं जैन धर्म में जितने भी सेंट हुए उनको हम तीर्थांकर क्यों कहते हैं तीर्थांकर वो क्या आप ये सोचते हो कि तीर्थांकर का मतलब होता है तीर्थ करने वाला तो नहीं तीर्थांकर तीर्थांकर का मीनिंग होता है घाट बनाने वाला फोर्ट बिल्डर घाट बनाने वाला ठीक तो घाट घाट की क्या जरूरत है भाई तो घाट की जरूरत है कि इस जीवन को ओसिन माना गया है समुद्र माना गया है महासागर तो ये जीवन क्या है महासागर और इस जीवन को पार करने के लिए हमें नाव की जरूरत पड़ेगी महासागर को पार करने के लिए एक मजबूत नाव की जरूरत पड़ेगी और वो नाव कहां से पकड़ेंगे आप घाट पर से पकड़ेंगे तो वो घाट बनाने वाले ये तीर्थांकर ये तीर्थांकर है तो इसमें कुल 24 तीर्थांकर आए जिसमें महावीर स्वामी कौन रहे चौबीसवें और इन्हीं के नाम पर जैन धर्म कहलाया जिन के नाम पर हाँ जी ठीक है ना सब आवाज आवाज वगैरह सब ठीक है आवाज आ रही है ना ओके ठीक तो यहां पर जो है इसमें कहा जाता है कि जो चौबीसों तीर्थांकर हैं वो उत्सर्पिणी और असर्पिणी में आए तो याद रखिएगा उत्सर्पिनी और सर्पिणी उत्सर्पिणी का अनंत उत्सर्पिनी और असर्पिणी का अनंत चक्र तो ये दो टर्मिनोलॉजी आप लोगों को याद रखना है उत्सर्पिणी के कहते हैं चढ़ता हुआ और असर्पिणी होता है उतरता हुआ जैसे जीवन एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो बड़ा होता है वो धीरे धीरे क्या होता है बड़ा होता है तो वो उसे उत्सर्पिणी कहते हैं और फिर एक एज पर जैसे हम जब थर्टी फाइव ईयर के हो जाते हैं तो फिर धीरे धीरे हम ढलना शुरू करते हैं और एक दिन बूढ़े होकर मर जाते हैं तो उसको असर्पिणी कहा जाता है तो कहा गया कि ये एक जीवन का अनंत चक्र है तो इसी में जो है चौबीसों तीर्थांकर आए थे ठीक जैन धर्म का जो अगर सिद्धांत की हम लोग बात करें तो जैन धर्म बिल्कुल बौद्ध धर्म की तरह ही बात करता है और यह भी कहता है कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए तो मुक्ति ठीक यह भी कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य मुक्ति ही होना है ठीक और मुक्ति आपको कैसे मिलेगी मुक्ति आपको कैसे मिलेगी आपको जैसे कैवल्य की प्राप्ति करनी होगी और मुक्ति पाने के लिए आपको क्या करना होगा अपने कर्म फल को विनष्ट करना पड़ेगा अपने कर्म फल को विनष्ट कर दीजिए पूरी तरह से कर्म फल कैसे होता है यानी जो भी हम लोग हमारे जो एक्शन होते हैं उसका कोई ना कोई एक रिजल्ट होता है उसी तो हमारे एक्शन ऐसे होने चाहिए जिसका कोई भी निगेटिव रिजल्ट ना हो ठीक तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसको हमें खत्म करना पड़ेगा और इसको खत्म करने के लिए इन्होंने क्या कहा तो इन्होंने कहा कि त्रिरत्न ठीक है त्रिरत्न इसको फाइव जेम्स कहते हैं मतलब सॉरी थ्री जेम्स कहते हैं जैन धर्म का तीन रत्न त्रि ती त्रिरत्न तो इसको इसमें जो है त्रिरत्न दिया इन्होंने सम्यक विश्वास सम्यक विश्वास सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण सम्यक आचरण ठीक तो ये तीन तीन दिए इन्होंने जैसे बुद्ध ने एट फोल्ड पाथ बताया इन्होंने बताया इन्होंने त्रिरत्न दिया ठीक इन्होंने त्रिरत्न दिया और कहा कि स्त्री रत्न का जब हम पालन करते रहेंगे सम्यक दर्शन और विश्वास एक ही है ठीक तो इन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन मतलब जो सम्यक वो हम लोग जो भी रख सोचे जो भी हम विश्वास अपने अंदर रखें वो राइट होना चाहिए तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक आचरण कहीं कहीं अगर आपको सम्यक विश्वास जैसे मैंने लिखा अगर हो तो भी गलत नहीं होगा त्रिरत्न ठीक और तो त्रिस्त्र रत्न के पालन करने से धीरे धीरे दी एक जीव जो होता है वो मुक्त हो जाता है अपने कर्म फल से इसमें पंच महाव्रत भी है पंच महाव्रत तो पंच महाव्रत आप लोग को याद हो गया सत्य ठीक सत्य अहिंसा अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर दिया जैन धर्म ने तो सत्य अहिंसा अपरिग्रह अपरिग्रह को अचौर्य कहते हैं अचौर्य और सत्य अहिंसा अपरिग्रह ब्रह्मचर्य एक कौन सा भूल रही हूं मैं सत्य अहिंसा अपरिग्रह ब्रह्मचर्य एक कौन सा है जरा याद दिलाइए आप लोग सत्य अहिंसा अपरिग्रह मतलब धन संग्रह नहीं करना है हिंसा नहीं करना है अचौर्य चोरी नहीं करना है तो अपरिग्रह हाँ हाँ इसमें वो चोरी ही तो आता है बुद्ध भी कहते हैं यस नहीं नहीं आ, ये अचौर ही उसमें आता है इसको बुद्ध ने भी अपने में दिया था ना कि किसी से इजाजत लिए बिना उसकी वस्तु को नहीं छूना है वो शब्द अस्ते अस, देखो अस्ते जो होता है मतलब ये यह यहाँ पर वही सत्य अस्ते अहिंसा अपरिग्रह अस्ते जो बुद्ध ने भी बताया था यस देखिए आप लोग सोचते होंगे कि आप लोगों में कमी है आप लोगों में कमी है आप लोग भूल जाते हो देखिए दिन रात हम पढ़ाते हैं हम लोग जो है हमेशा पढ़ाते रहते हैं और एक वर्ड मिस हो गया माइंड से और ये पूरा एकदम क्रोनोलॉजिकली याद रहता है हमेशा मीनिंग याद है वर्ड याद नहीं आ रहा तो सत्य अहिंसा परिग्रह और ब्रह्मचर्य तो अस्ते का वही होता है कि किसी की वस्तु उसकी इजाजत के बिना नहीं छूना है बल्कि वहीं पर आ, आ जाता है आपका चौर्य तो ये जैन धर्म का पंच महाव्रत जिसमें कहा जाता है कि जो ब्रह्मचर्य है जो पांचवा है च, ये चार पहले से चला आ रहा था जो ये पांचवा है उसको किसने जोड़ा था महावीर स्वामी ने और महावीर स्वामी ने कहा था कि इसका पालन आपको करना ही करना है ठीक जैन दर्शन की अगर हम लोग बात करते तो जैन दर्शन थोड़ा सा अतिवादी माना जाता है अतिवादी इन देंस कि थोड़ा मतलब एक्सट्रीम है ये ठीक एक्सट्रीम है ये ये हम ये मिडिल पाथ की बात नहीं करता बुद्ध की तरह ये किसकी बात करता है तो ये बात करता है तपश्चर्या की तपश्चर्या की बात करता है ये ये कहता है कि हम जो है क्या करो तो काया कलेश करो काया कलेश ठीक काया कलेश करने के लिए कहता है ये कहता है कि अपने शरीर को जितना तपा सकते हो तपाओ तो जैसे महावीर स्वामी के साथ मतलब बारह साल तपस्या करते करते उनके सारे कपड़े उपड़े फट गए तो उन्होंने फिर वस्त्र धारण नहीं किया और तो उन्होंने अपने फॉलोअर से भी यही कहा कि ये जो काया है ये सुख मांगता है और इसको अगर सुख दोगे तो फिर तुम इस जीवन से मुक्त नहीं हो पाओगे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिलेगी तुमको। तो तपश्चर्या करो इस काया काया को, को ये काया ही तो आत्मा को किसने बांध के रखा है तो इस काया ने जिस दिन ये काया खत्म हो जाएगी आत्मा छोड़कर इसको चली जाएगी मुक्त हो जाएगी तो काया कलेश काया कलेश करो ठीक तो जैन दर्शन थोड़ा सा बौद्ध धर्म से एक्सट्रीम माना जाता है और यह कहता है कि जीव का अंतिम लक्ष्य क्या होना है तो इस जीवन से मुक्ति इस साइकिल से जन्म-मरण के चक्र से छुटकारा जीव जीव का अंतिम लक्ष्य तो इन्होंने उसको ऐसे समझाया आश्रय और समवर ठीक है तो आश्रय और समोवर ये, ये मैं बार बार पढ़ा रही हूं ये पूछा जाएगा ठीक आवाज कम होगी तो आप लोग बता देना भाई ये आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा जब पूछ लिया जाए यह आपसे पूछा ही जाएगा क्योंकि ये यह आश्रोसम एक इंपॉर्टेंट टेमनोलॉजी है <laughs> आफत का मतलब आपदा ठीक है कोई पूछ रहा था आपने मीनिंग बता दिया डिलीट क्यों कर दिया मैं बिल्कुल उसको बुरा नहीं मानती आवाज ठीक है आवाज ठीक है ना आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को हम्म तो आश्रो और समर ठीक है तो आश्रो क्या है जब कहते हैं कि जब जीव आता है जब धरती पर जीव आता है जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल इनोसेंट होता है एक साफ मिरर की तरह एक जैसे साफ मिरर होता है जिसमें आप अपना चेहरा देख पाते हो वैसे ही एक जो बच्चा होता है वो जीव शुरू में बहुत इनोसेंट होता है बहुत ही मासूम होता है पर धीरे धीरे क्या होता है धीरे धीरे इस जीव की तरफ कर्म कर्म का प्रवाह शुरू होता है तो कर्म का प्रवाह कहा गया है जो कर्म का प्रवाह क्या है तो वही वही है ग्रिडिनेस लालच लालच ईर्ष्या द्वेष ठीक भोग ये सब क्या है कर्म का प्रवाह तो जब इस कर्म का प्रवाह शुरू होता है तो धीरे धीरे ये ये आईना ये जो शीशा है ये कैसा होने लगता है ये धूल कण इस पर बैठने लग जाते हैं यानी पूरा धीरे धीरे आपकी आत्मा मैली हो रही है आत्मा गंदी धीरे धीरे आप भूल जाते हो कि आप कौन हो आप कौन हो आप अपना चेहरा ही नहीं देख पाते कि आप कौन हो आपको आप क्या चाहिए तो इसको कहते कर्म का प्रवाह इस, इस स्टेज को कहते हैं आश्रव आश, सॉरी हाँ, हाँ, आश्रव ही कहते हैं इस स्टेज को कहते हैं आश्रो तो ये कहते हैं कि त्रिरत्न का जब पालन करता है जब हम त्रिरत्न का पालन करना शुरू करेंगे तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक आचरण जब हम राइट 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 प्रैक्टिस रखेंगे राइट नॉलेज लेंगे हम लोग जब सम्यक दर्शन रहेगा सम्यक ज्ञान रहेगा और राइट प्रैक्टिस बिहेवियर आचरण सही रहेगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि कर्म प्रवाह रुक जाएगा ये कर्म प्रवाह यहीं पर रुक जाएगा जब रुक जाएगा तो धीरे धीरे, धीरे ये धूल कण भी साफ होने लगेंगे तो इसको उन्होंने कहा समवर ठीक तो ये दो टर्मिनोलॉजी याद रखेगा आप लोग आश्रव और समवर जैन दर्शन कहता है यथार्थ कि, अगर आपसे पूछा जाए ये यूपीएससी पूछ चुकी है वैसे फिर भी कई साल हो गए हैं तो आप लोग याद रखिएगा कि जैन दर्शन यथार्थ के विषय में जैन दर्शन क्या कहता है सत्य सत्य के बारे में तो जैन दर्शन कहता है कि सत्य एक नहीं हो सकता जो आपको सत्य लगता है वो किसी और को सत्य नहीं लग सकता है तो सत्य के सत्य के कई आयाम होते हैं ठीक सत्य के कई आयाम होते हैं अ ट्रूथ हैज मैनी डायमेंशन तो सत्य तो, एक तो नहीं हो सकता तो इसी पर इनकी फिलॉसफी निकली है अनेकांतवाद तो ये यूपीएससी पूछ चुकी है ये कई बार पूछ चुकी है इसको भी कहते हैं क्योंकि उसने सात डायमेंशन से सत्य को देखा तो इसको सियादवाद भी कहते हैं ठीक तो सत्य के जो है सात आयाम होते हैं है नहीं है तो अनेकांतवाद आप लोग याद रखिएगा तो जैन धर्म थोड़ा कठिन था कठिन था थोड़ा सा और उसको फॉलो करना अहिंसा और ब्रह्मचर्य दो एक ऐसा वो था कि उसको फॉलो करना सबके वश की बात नहीं थी तो उसी में जो गृहस्थ जीवन में रहकर जैसे उपासक उपासिका आपका बुद्धि जब में था तो जो गृहस्थ जीवन में रहकर जो जैन धर्म का पालन करते थे उनको अयाजक वर्ग कहा जाता था क्या कहा जाता था अयाजक वर्ग और ये जिस व्रत का पालन करते थे पंच महाव्रत में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे तो उसको कहा जाता था अड़ुव्रत व्रत कहा जाता था तो अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इसको भी याद रखिएगा आप लोग आयाजक वर्ग और अणुव्रत इसको भी याद रखिएगा ठीक इसी कोढा और ना हो जाता है तो यहां अनुव्रत हो गया है और इसमें छह व्यवसाय के लिए इजाजत दी गई जो संसारिक जीवन में रहकर जैन धर्म का पालन करते थे उनके लिए छह व्यवसायों को धार्मिक मान्यता दी गई जिसमें अस्सी अस्सी जिसको कहते हैं अस्सी का मतलब प्रशासन और कृषि दो को कहा गया कि अगर लास्ट ऑप्शन कहा गया कुछ भी करने को न रहे तब प्रशासन और कृषि करना क्योंकि दोनों में हिंसा होता है तो सबसे अच्छा माना गया मस्सी लेखन विद्या कला वाणिज्य और शिल्प इसीलिए ज्यादातर आप लोग देखते हो ना ज्यादातर जो जैनी होते हैं वो व्यापारी होते हैं आपने देखा होगा तो व्यापारी ज्यादा जैन धर्म का पालन करते हैं यहां से भी अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जैसा कि हर धर्म संप्रदाय में होता है जैन धर्म का भी डिवीजन हुआ तो जैन धर्म के डिवीजन में आपको ये तो पता ही है ये तो सारे लोगों को याद रहता है श्वेतांबर श्वेतांबर और दिगंबर तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ पिछले मैंने थर्टी को आप लोगों को मौर्य साम्राज्य पढ़ाया था और मैंने बताया था कि कैसे महावीर स्वामी के समय अकाल पड़ गया था मगध में और वो दुखी होकर चंद्रगुप्त मौर्य चले गए श्रवर्ण बेले गोला तो उनको लेकर जाने वाले चंद्र भद्रबाहु थे तो भद्रबाहु के साथ बहुत सारे जैन चले गए कर्नाटक और ये दिगाम्बर थे दिगाम्बर मतलब ये आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं आकाश यानी अंबर ठीक तो अब अंबर आकाश का पर्यायवाची है अंबर का एक अर्थ वस्त्र भी होता है तो ये आकाश को ही अपना वस्त्र मानते थे तो ये न्यूड रहते थे एकदम जैसा कि महावीर स्वामी खुद रहे और उन्होंने कहा भी अपने फॉलोअर्स को कि कोई बंधन मत रखो अपने शरीर पर पर जो पाटलिपुत्र में रह गए उनको लोगों के बीच रहकर शर्म आने लगी ये कहलाए श्वेतांबर ठीक ये श्वेतांबर कहा है स्थूल भद्र के नेतृत्व में पर बाद में दिगंबर और श्वेतांबर में भी अलग अलग डिविजन हो गए तो दिगंबर के दो और उप संप्रदाय हैं मूल संघ बीस पंथी तेरा पंथी पंथी ये कुछ आधुनिक संप्रदाय हैं ठीक मूल संघ आप लोगों से पूछा गया है और श्वेतांबर में तीन उप संप्रदाय हैं स्थानकवासी है, ये यूपीएससी पूछ चुकी है आप लोगों से स्थानकवासी ठीक स्थानकवासी मूर्ति पूजक और तेरापंथी प्रीवियस ईयर का मैं ना एक दिन मैं आर्ट एंड कल्चर का आप लोगों को प्रीवियस ईयर का करा दूंगी क्वेश्चन आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जैसे स्थानकवासी आप लोगों से पूछा जा चुका है ठीक तो जैन धर्म को मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया है आप लोगों को पर जो मैं पी आप लोगों को शेयर करूंगी नोट्स जो दूंगी वो बहुत डिटेल में रहेगा नोट्स एकदम डिटेल में रहेगा ठीक है तो यहां बस जहां जहां मेन समझाना था मुझे जो क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है वही मैंने आप लोगों को बताया जय हिंद जय हिंद तो जैन आगम जैन जो ग्रंथ है उनको आगम कहते हैं तो उनके बारह अंग हैं कितने अंग हैं उनके बारह ठीक बारह अंग हैं इन बारह अंगों में प्रत्येक का उपांग भी है तो मैंने आपको बुलाया अंग उपांग नियुक्ति चुड़नी उन पर जो भाष्य लिखे गए वो नियुक्ति और चुड़नी के नाम से जाने जाते हैं नियुक्ति चुड़नी टीका तो ये भी आप लोग को याद रखना है तो इनको जो है 513 या 526 सौ ईस्वी में वल्लभी में इनको कंपाइल किया गया था वल्लभी कहां पर है गुजरात में वल्लभी में इनको कंपाइल किया गया तो किताब का नाम जो आप लोगों को याद रखना है आचारांग सूत्र जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है इसमें आचारांग कैसा बिहेव करना है कैसा प्रैक्टिस करना है भगवती सूत्र जिसे सोलह महाजन पद के बारे में भी पता चलता है महावीर के जीवन के बारे में पता चलता है नयाधाम कहा नयाधाम कहा इसमें महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है नयाधाम कहा ठीक ये सब पूछे नहीं गए हैं जो नहीं पूछा गया वही बता रही हूं जो पूछा गया लास्ट में बताऊंगी आपको वास गद साओ उपास गत्साव क्या है तो उपासकों के जीवन संबंधी नियम ठीक अंतगढ़ दसाओ और अड़ुतरवाई दसाओ ये भिक्षुओं के जीवन कथाएं हैं ठीक विवाग सुयम सुत विवाग सुयम सुत ये इसमें जो है कर्म फल कैसे कर्म से कैसा जैन धर्म कर्म फल में बहुत विश्वास करता था जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुमको फल मिलेगा तो ये कोई भी बुक अभी पूछा नहीं गया है इसलिए इन सभी किताबों को आप लोग याद रखेंगे ठीक है भद्रबाहुचरित भद्रबाहुचरित से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग को पता चलता है ठीक है और इसी तरह से जो है वसुदेव हिंडी बृहद कल्प सूत्र आवश्यक चुड़नी कालिका पुराण कथा कोश ये सभी महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो था हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन ये आप लोगों से 2023 में पूछ लिया गया है ठीक है परिशिष्ट पर्वन आपसे 2023 में पूछ लिया गया तो इसको तो अब तो नहीं पूछा जाएगा आपसे अब जो नहीं पूछा जा गया है वही आपको याद रखना है जैसे हरिभद्र सूरी का है सम्रादित्य कथा धूर्ता और कथा कोश हरिभद्र सूरी बहुत इजी है याद रखना सम्रादित्य कथा ये आर्य शर्मा भी मेंशन करते हैं अपनी बुक में सम्रादित्य कथा धुरता प्रख्यान कथा कोश ठीक उद्योतन सूरी का है कुवलेमाला माला कुवले माला सिद्धार्थ सूरी का है उपमति भव प्रपंच कथा उपमति भव प्रपंच कथा ये किसका है सिद्धार्थ सूरी का ठीक तो हेमचंद्र सूरी की तो क्वेश्चन आ गई पूछ लिया गया अब आपसे हरिभद्र सूरी उद्योतन सूरी सिद्धांत सिद्ध सूरी जीनेश्वर सूरी का की बुक का नाम है कथा कोष प्रकरण जिनसेन आदि पुराण गुड़भद्र उत्तर पुराण ये सब किताबें परिशिष्ट पर्वन आपसे पूछ लिया गया है त्रिष्ठी लक्षण महापुराण त्रिष्टि लक्षण महापुराण जो जिनसेन का है वो भी आप लोगों से पूछ लिया गया है तो अब जो नहीं पूछा गया है वो सारी किताबें आप याद रखेंगे इनसे तत्कालीन समाज सामाजिक धार्मिक दशा पर पूरा हम लोगों को जानकारी इन सबसे मिलती है ठीक तो जिनसेन नौ गुणभद्र ने लिखी थी त्रिष्टि लक्षण महापुराण ये ये क्वेश्चन है आप लोगों का 2022 का यानी जैन टेक्स से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये 2022 का क्वेश्चन है आपका पूछा गया था ना त्रिष्ठी लक्षण महापुराण ठीक है तो जो भी मैं पढ़ाती हूं आप लोगों को वो ऐसा कुछ कुछ नहीं है जो इिवेंट है लगातार मैं देख रही हूं क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन आ रहा है हमको वो तो पढ़ना ही है पर जो पूछ लिया गया है उसके अलावा जो पूछा जा सकता है उस पर ज्यादा फोकस करना है और क्योंकि एग्जामिनर वैसे एरियाज ढूंढ रहा है जहां से क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जा गए हैं स्टूडेंट ने उस पर फोकस नहीं किया है तो हमको उस एरियाज को भी टच करना है ठीक है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सेशन और आपको पीडीएफ कल के सेशन में कल तीन बजे सेशन है कल मैं पढ़ाने वाली हूं मौर्य आर्ट मौर्य कला और सिर्फ मौर्य कला ही नहीं पढ़ाऊंगी मौर्यकालीन समाज कैसा था स्त्रियों की दशा कैसी थी संस्कृति कैसा था इस पर भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी ठीक तो कल तीन बजे और कल तीन बजे आप लोगों को पिछले सभी सेशन का पीडीएफ भी उसी में अटैच रहेगा तो कल मिलते हैं कल कब तीन बजे तो आप जुड़ना नहीं भूलेंगे और जो लोग आज नहीं जुड़ पाए उन सब का नाम मैंने नोट कर लिया है जो लोग नहीं आज जुड़ पाए हैं तो आपको रोज जोड़ना है रोज सेशन लेना है तभी जाकर के ये आप अपने अपना वो सीट एक सीट प्रिलिम्स क्वालिफाई करने का फिर मेंस क्वालिफाई करने की वो सीट आपको अपनी सुनिश्चित करनी है फिक्स करनी है वो तभी कर पाओगे ठीक तो चलिए मिलते हैं कल तीन बजे बाय बाय अ गुड डे हेड ऑल द बेस्ट